यूक्रेन ने पुतिन की हत्या के लिए राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन से हमला किया। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या का प्रयास किया है। बुधवार को रूसी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति भवन पर दो ड्रोन से हमला करने की असफल कोशिश की। क्रेमलिन ने इसे आतंकी कृत्य बताते हुए प्रतिशोध लेने की बात कही, हालांकि यूक्रेन ने हमले से इनकार किया है। रूस के अधिकारियों ने बताया कि रूसी सेना ने हमले से पहले ही दोनों ड्रोन को नष्ट कर दिया। इस दौरान कोई घायल नहीं हुआ। पुतिन के कार्यक्रम में बदलाव नहीं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सुरक्षित हैं और अपने कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया है। क्रेमलिन ने घटना का वीडियो भी जारी किया है। रूस में 9 मई को विक्ट्री डे परेड होती है, जो निर्धारित समय के अनुसार ही होगी। घटना के बाद बंकर में शिफ्ट हुए रूस के राष्ट्रपति।